हम लोगों का कोऑर्डिनेशन तो इतना परफेक्ट है कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। ये तो यही तो हम लोगों के गठबंधन की खासियत है कि बिना कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से विजेंद्र यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और हम जो साथ में बिहार में सरकार चला रही है, आपस में बातें नहीं हो पाती है। ये इस बात को हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो भी कई बार इस बात को कह चुके हैं, और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने भी मांग किया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होनी चाहिए। आज बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के कद्दावर नेता है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं विजय चौधरी, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, 2025 तक सरकार चलेगी? ये सवाल उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे बीच कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, बावजूद भी हमारे कोऑर्डिनेशन जो है वो किसी दल से अलग नहीं है, हमारी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने ही अपने ही नेता पर सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां विजेंद्र यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विजय चौधरी कह रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आखिरकार क्या चल रहा है बिहार एनडीए में? ज़रा सुनिए, जब विजय चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किस प्रकार से उसका जवाब दिया। अरे पहले वाली बात कब होती है? जो जो बात आज है सो कल नहीं रहती है, जो कल है वो परसों नहीं रहती। तो कोई कोई आपको कोई कुछ कहेगा जो कल जो था वही आज भी है? ये किस चीज में है? आपको आपको अभी जो गठबंधन हम लोगों का एनडीए काम कर रहा है उसमें कहाँ कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है? और हम लोगों का कोऑर्डिनेशन तो इतना परफेक्ट है कि बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। तो इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन किसी पार्टी ने शिकायत की है क्या? अब उन्होंने कहा, ये उनका विचार है। अब उन्होंने कहा, कहा उन्होंने, पूछ हमसे रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन हमको तो कहीं कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव दिखता ही नहीं है। मांझी जी से हम लोगों की भी बात होते रहती है, और ये तो यही तो हम लोगों के गठबंधन की खासियत है कि बिना कमेटी के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। 2025 तक दावा रहता है कि एक आदमी 2025 तक ऐसी सरकार स्मूथली चल पाएगा, आप दावा कर रहे हैं जैसे चल रहा है सरकार, जो सरकार बिहार में एनडीए की चल रही है, 2025 तक ऐसी स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? आपको कहाँ दिक्कत नजर आ रही है? हम तो कह रहे हैं कि चल रही है, चलेगी, और आप 25 में इसका सीमा रेखा काहे दे रहे हैं? आप 25 से क्यों इसको बांध रहे हैं? हमको तो ये बताइए ना कि आप 25 क्यों बांध रहे हैं? तो आपने सुना कि विजय चौधरी ने कहा कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत नहीं है, बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारा जो गठबंधन है जिसका कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को शिक्षा मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने कहा है। ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक नेता दूसरे नेता के बयान को काटते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे वरिष्ठ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।